दुमका, जैसा कि नाम से पता चलता है, चारों ओर बुलंद पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। यह झारखंड राज्य की उपराजधानी के साथ ही उसके सबसे शानदार जिलों में से एक है। दुमका की हवा में तीन राज्यों की संस्कृति का मेल है। इस शहर ने भारतीय संस्कृति की मूल नैतिकता और पारंपरिकता को बनाए रखा है। लोकतंत्र सरकार का ही एक रूप है, जिसमें आम लोग राजनीतिक शक्ति रखते हैं और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। भारत में अधिकार आम आदमी को 200 साल की गुलामी के बाद ही मिल पाया है। इस अधिकार को जनता के हाथों में हर उस क्रांतिवीर ने पहुंचाया, जो उस समय अत्याचारी शासन के खिलाफ खड़ा हुआ। इन्हीं क्रांतिवीरों की प्रथम पीढ़ी में से थे सिद्धू और कानू मुर्मू, जिन्होंने झारखंड के जंगलों में अंग्रेजों को बहुत छकाया तथा आजादी का नारा लगाया, जिसकी आवाज पूरे भारत वर्ष में गूंजी। आज इन भारत के वीर संतानों के बलिदान के कारण ही यहाँ का हर एक योग्य नागरिक अपना मत डालने के लिए सक्षम है। मतदान लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके द्वारा आप अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जो संसद में निर्णय लेते समय आपके विचारों को ध्यान में रखते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल या ज्यादा है तो आप मतदान करने के योग्य हैं। 18 साल से कम उम्र होने पर भी आप अपने क्षेत्र के बारे में जानें, ताकि सही समय आने पर लोकतंत्र के लिए सही निर्णय ले सकें। आइए अब हम यह देखते हैं कैसे लोकतंत्र में आपका मतदान महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह करोड़ों की जनसंख्या वाले देश में एक वोट की महत्ता अनुपम होती है। हर समाज की कुछ आम जरूरतें होती हैं, जैसा कि साफ पानी, बिजली की उपलब्धता, अच्छी सड़कें तथा नियमित विकास। इन जरूरतों को आपका चुना हुआ उम्मीदवार आपकी आवाज बनकर सरकार तक पहुंचाता है। अगर वह प्रतिनिधि अपने किए गए वादों को नहीं निभाता है, तो आपके पास यह अधिकार है कि आगे आने वाले चुनाव में आप एक बेहतर प्रतिनिधि को चुनें। यही तो लोकतंत्र की खूबी है। पर ध्यान रहे, जितना आसान वोट डालना होता है, उतना ही मुश्किल वोट करने का निर्णय लेना होता है। जिस गति से समाज का विकास होता जा रहा है, उसकी दुगनी गति से लोग समाज की जरूरतों से दूर होते जा रहे हैं। इसके अलावा चुनावी मौसम में अक्सर कुछ असामाजिक तत्व जनता को बहला फुसला के उनके कीमती वोट पर प्रभाव डालते हैं और उन्हें मतदान जैसे पावन अधिकार से वंचित कर देते हैं। आपका वोट करना न सिर्फ आपके परिवार और समाज के हित में है, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी अमूल्य है। तो आइए दुमका वासियों, आज हम एक प्रण लेते हैं कि इस आने वाले चुनाव में सारे के सारे 8.5 लाख मतदाता अपनी आवाज डंके की चोट पर जाहिर करेंगे और ना सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे दुनिया के सामने दुमका को एक अनुपम लोकतंत्र का उदाहरण बनाकर प्रस्तुत करेंगे। इस चुनाव हमें अपने अधिकार का दम दिखाना होगा, एक दुमकावासी होने का दम दिखाना होगा। याद रहें, अगर नेता आपका प्रतिनिधि है तो आप बदलाव के प्रतिनिधि हैं। 19 मई सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोट करो और दम दिखाओ दुमका।